अस्सलाम वालेकुम। आइस नशा क्या है इसके बारे में आपको बताऊंगा। आइस टॉफी जो है हीरोइन से भी हजार गुना ज्यादा खतरनाक और तंबाकू नशा है, और आजकल जो है इसका इस्तेमाल बढ़ गया है और लोग जो है इसको इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि इसको अपने पास रखना जेब में बहुत आसान है और ये एक टॉफी की शक्ल में है। इसका असल नाम जो है वो मेथर मैथियामीन है, और अगर ये जमी हुई बर्फ के छोटे टुकड़ों की तरह हो तो इसे क्रिस्टल मेथ या आइस कहते हैं, अगर पाउडर की शक्ल में हो तो इसे स्पीड कहते हैं। शरपसंद अनासर और जो लोग इसका काम करते हैं जाहिल लोग हैं वो, और इसको एक और शक्ल यानी कि आइस टॉफी की सूरत में जो है मार्केट में ले आए हैं। अब इस नशे को जो इस्तेमाल करने वाला शख्स है पहले दिन से ही इसका आदी हो जाता है। एक दफा इस्तेमाल करने का असर जो है वो 12 घंटे तक रहता है, और इस्तेमाल करने वाला इंसान 3 से 4 दिन तक जाग सकता है। आप अपने इर्द गिर्द इस पे नजर रखें और इस तरह की कुछ भी एक्टिविटी देखें तो उस पे फौरन आप एक्शन लें। नशा जो है वो आइस टॉफी की सूरत में होता है, और लोग इसे जो है अपने पास आसानी से रख सकते हैं, और बेचने वाला भी जो है इसको टॉफी का कह के जो है वो आराम से इसको बेच सकता है। अल्लाह पाक आप सबकी इस तरह के और इसके अलावा भी जितने भी नशे हैं उनसे अल्लाह पाक आप सबकी हिफाजत करे। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, और अगली वीडियो तक के लिए मुझे इजाजत। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखें। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह हाफिज़।